आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी। जिलाधिकारी ने प्रत्येक परीक्षार्थी का उसके फोटोयुक्त पहचान पत्र से मिलान करने का भी निर्देश दिया। आंतरिक सचल दल निरंतर गश्त करता रहे और जांच के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। प्रथम पाली में हाईस्कूल के विज्ञान विषय की परीक्षा हो रहा था। सर्वप्रथम उन्होंने रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे से ऑडियो युक्त फीड को देखना प्रारंभ किया तो कैमरा नंबर 11 की लाइव फीड में उन्हें कक्ष के कुछ परीक्षार्थी आपस में बातचीत करते दिखे। लाइव फीड में परीक्षा कक्ष में तैनात इनविजिलेटर भी नदारद दिखे। रामपुर कारखाना स्थित जनता इंटर कॉलेज में पर्यवेक्षण संबंधी अव्यवस्था मिलने पर डीएम ने गहरी नाराजगी जताई और केंद्र व्यवस्थापक को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र व्यवस्थापक को सीसीटीवी के माध्यम से प्रभावी निगरानी करने की आवश्यकता है तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट निरंतर भ्रमणशील रहते हुए परीक्षा को नकलविहीन एवं शुचिता के साथ संपन्न कराना चाहिए। इससे पूर्व निरीक्षण के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी कक्षों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाए तथा परीक्षा को शुचिता को बनाए रखने व नकल विहीन संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप समुचित व्यवस्था की गई है।